हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनका रुख मैं करूंगा। एम शशिधर रेड्डी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व वाइस चेयरमैन हैं एनडीएमए के। इससे पहले कि और मेहमानों के साथ मैं आपका परिचय कराऊं, मैं आपको यह भी बता दूं कि हेड रेस टनल में किस तरीके से लोगों के फंसे होने के बावजूद उनके जीवित रहने की उम्मीदें अभी जिंदा हैं। मैं आपको समझाता हूं, हेड रेस टनल मतलब वहां जहां पे लिमिटेड टाइम में पानी को तेज प्रवाह के साथ गुजारा जाता है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें हेड रेस टनल के जरिए पानी को प्रवाह के साथ गुजारा जाता है, फिर वो टरबाइन पर पड़ता है, टरबाइन घूमती है और इस तरीके से बिजली का उत्पादन होता है। ये जो HRT है हेड रेस टनल, इसमें ये कुल मिलाकर 240 मीटर लंबी है। इनमें से एक वो टनल जिसमें अभी खुदाई का काम जारी है और उसमें 100 मीटर तक अंदर पहुंचने में कामयाबी मिल भी गई है मलबा हटाने के बाद। इसमें ये बताया जा रहा है कि जब इसमें 180 मीटर तक अंदर पहुंच जाएंगे जो लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं तो एक डाइवर्जन मिलेगा। ये डाइवर्जन, इस डाइवर्जन में अंदर की तरफ काम चल रहा था इस वक्त और इसी में प्रोजेक्ट इंजीनियर समेत वो 36 लोग हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर को अगर मिला दें तो 37 लोग हो जाते हैं। ये 37 लोग इसके अंदर हैं और इनके बचे होने की उम्मीदें क्यों जीवित हैं? कहा यह जा रहा है कि जब ये गाद निकली होगी तेजी से, ये जो सिल्ट निकली होगी तो ये अमूमन सीधे रास्ते में जाती है, बगल की तरफ इसका डाइवर्जन कम होता है और जो थोड़ा बहुत डाइवर्जन हुआ भी होगा, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इसके अंदर बुलडोजर्स, छोटे बुलडोजर्स और छोटी जीपें जाती हैं और यहाँ तक भी वाहन जाते हैं तो ये मुमकिन है कि उसकी आड़ लेकर ये लोग खड़े हो गए हों, या ये भी मुमकिन है कि उसके ऊपर जाकर ऊंचाई में उस जगह पर अपने आप को इन्होंने बिठा लिया हो, सुरक्षित कर लिया हो जहां तक पानी का स्तर नहीं पहुंचा है। इसलिए ये उम्मीद है कि अब भी लोग वहां सुरक्षित बचे हो सकते हैं। हमारे संवाददाता जो लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, खासतौर से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन, TV9 संवाददाता, कल पूरी रात से जागे हुए लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। और सिर्फ वो क्यों, गौरव अग्रवाल हमारे संवाददाता, पुनीत हमारे संवाददाता, मनीष यादव लगातार हर एक अहम अपडेट इससे जुड़ा हुआ, बगैर कोई अपडेट मिस किए और बगैर कोई किसी टाइम लैप्स के आप तक फौरन पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त कुमार कुंदन आपके सामने नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे से, और ये उनकी जाहिर है अपने काम के लिए डेडिकेशन ही है कि उनके चेहरे से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो रात भर जागे हैं। और इसके अलावा हमारे खास मेहमान जिनके साथ हम जुड़ेंगे, एम शशिधर रेड्डी साहब आपको नजर आ रहे हैं, पूर्व वाइस चेयरमैन NDMA के, और इसके अलावा AP डिमरी प्रोफेसर JNU के हमारे साथ चर्चा में होंगे। डॉक्टर अंजलि क्वात्रा हमारे साथ होंगी, एक्सपर्ट हैं अंजलि क्वात्रा जी डिजास्टर मैनेजमेंट की, और कुमार कुंदन के साथ मैं आपका परिचय करा ही चुका हूं। गौरव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि उस जगह मौजूद हैं जहां रेस्क्यू का काम चल रहा है, और पुनीश शर्मा रैणी गांव से हमारे संवाददाता आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। कुमार कुंदन से सबसे पहले अपडेट में ले लेता हूं इस वक्त का, कुमार लेटेस्ट बताइए। देखिए लेटेस्ट अपडेट ये है दिनेश कि यहाँ पे जो काम है रेस्क्यू का वो चल रहा है और टनल से मतलब गाद निकालने का काम चल रहा है और ये 24/7 से, एक बार मैं कैमरा पर्सन को अगर दिखाना चाहूँगा ये टनल की तस्वीर जो है वो एक बार दिखाएं, मदन जरा सा प्लीज़ दिखाइए तस्वीर। और ये तस्वीर देखिए, जो सुबह में जब मैं आया था, सुबह क्या मतलब रात को 2 बजे जब पहुँचा था तो ये टनल पूरा पैक्ड था, लेकिन अभी 100 मीटर अंदर तक जो है आराम से टनल में गाड़ी जा रही है और वहाँ से गाद को निकाला जा रहा है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है दिनेश, और उम्मीद ये की जा रही है कि 180 मीटर के बाद जो राइट साइड की ओर डक्ट है, डिशिल्ड डक्ट है, वहाँ पे कोशिश ये बताई जा रही है कि बचे हुए लोग होंगे। और इसी उम्मीद पे दिन रात एक करके ITBP के, इंडियन आर्मी के, SDRF के, NDRF के जवान लगे हुए हैं और ये देखिए जो गाद निकालने का काम है बदस्तूर जारी है। तो जो पूरा का पूरा जो काम है वो काम सिर्फ और सिर्फ 180 मीटर तक अभी अटका हुआ है और इनकी कोशिश है कि 180 मीटर तक किसी भी तरीके से पहुंचे। आज का दिन अगर बात करें तो दिन भर में ये तकरीबन 100 मीटर निकाल पाए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 2 से 4 घंटे में या फिर 5 घंटे में कह सकते हैं देर रात 80 मीटर तक भी पहुंचे और तब कुछ कहा जा सके। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आला अधिकारियों और मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे पहुंचे हुए थे, लेकिन इन सब के बीच जो दूसरी तस्वीर है, एक तस्वीर और मैं पीछे की दिखाना चाहूँगा, एक पांव पे खड़े होकर हमारे देश के जवान जो है ये पूरे का ऑपरेशंस को जो है हैंडल कर रहे हैं। और कल रात से मैं जब से यहाँ पे आया हुआ हूँ सब के सब जो है लगे पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ गंगा का प्रवाह है जो रुकने का नाम नहीं बनाए रखे। और आपने जो कहा है उम्मीद पर दुनिया कायम है, वाकई हमारी दुनिया उम्मीद पर कायम है। हम न सिर्फ उम्मीद से इस वक्त ये कह सकते हैं कि होगा, निश्चित रूप से अभी कोई ना कोई जीवित होगा और जो हमको मिलेगा खुशी के साथ, और बल्कि हमारी ये दुआएं भी हैं हम सब देशवासियों की कि वहां लोग सुरक्षित हों, कम से कम ये 37 लोग जिनके जीवित होने की उम्मीद की जा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ
TV9 भारत वर्ष पर।